भदोही ढाबा मालिका से ढाबे की जांच के नाम पर अवैध धन उगाही करने और ब्लैकमेलिंग के प्रयास में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि भदोही जनपद के थाना गोपीगंज क्षेत्र के अंतर्गत जीटी रोड छतमी स्थित वाजपेयी ढाबे में संचालक राकेश वाजपेयी के द्वारा यहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उसके ढाबे पर कुछ लोग चारपहिया वाहन से आए और चारों लोगों के द्वारा खुद को लखनऊ टीम का हिस्सा बताते हुए ढाबे की जांच करने लगे और धमकाते हुए अवैध धन उगाही की मांग की जाने लगी। ब्लैकमेलिंग का प्रयास किया गया, उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश भी कर दिया गया है। इसके चलते अब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना गोपीगंज पर कल एक ढाबा के मालिक ने उपस्थित होकर तहरीर दिया कि चार लोग एक प्राइवेट वाहन से उसको ब्लैकमेल करने और वसूली का प्रयास कर रहे थे। जानकारी के अनुसार ये चारों लोग अपने आप को लखनऊ की एक टीम का हिस्सा बताकर होटल की जांच के नाम पर अवैध धन उगाही का प्रयास कर रहे थे। जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी तहरीर के आधार पर मारपीट, फोर्जरी और एक्सटोर्शन जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। चार आरोपियों में से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और चौथे आरोपी और जो प्राइवेट वाहन जिससे ये आए थे उसको बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। इन आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।